हेलो फ्रेंड, मैं हूँ नरेंद्र गौड़ा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गुरु मंत्रा। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सितंबर माह में पांच सबसे बड़ी भर्तियाँ जो कि सरकारी नौकरी हैं, और इनके फॉर्म भरना बिल्कुल भी ना भूलें। इनका मैं दोस्तों पार्ट फाइव बना रहा हूँ, इससे पहले कोर्ट पार्ट बना चुका हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखे वो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए आपको वीडियो के नीचे कुछ इस तरह का रेड कलर का आइकन आ रहा होगा, उसे प्रेस करना है दोस्तों। उसके बाद वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा। तो आपको ये बेल दिखाई दे रही है दोस्तों, उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ जॉब्स का, उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली वैकेंसी है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC में। ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें 1136 जूनियर इंजीनियर अटेंडेंट साइंटिस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट एवं अदर की वैकेंसी हैं दोस्तों। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th 12th या अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, क्योंकि अलग अलग वैकेंसियाँ हैं तो इसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट की बात करते हैं तो दोस्तों, एज लिमिट आपकी 18 से 25 ईयर है, प्लस आपको एज रिलैक्सेशन है OBC को 3 ईयर का और SC ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन एज में छूट दी गई है। आप दोस्तों इस फॉर्म को 30 सितंबर 2018 तक भर पाएंगे दोस्तों। एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए एग्जाम फीस 100 रुपीज़ रखी गई है, एवं अदर कैटेगरी एवं महिलाओं के लिए ये 0 रुपये है। सैलरी इसमें दोस्तों डिस्क्राइब नहीं की गई है, बताया गया है कि आपको अच्छी खासी सैलरी दी जाएगी। तो अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो दोस्तों, इस फॉर्म का मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया। जितनी भी मैं वैकेंसी बताऊंगा उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से आप इन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। अगली वैकेंसी है दोस्तों, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI में ये वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें 120 ऑफिसर ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसी है दोस्तों, जिसमें क्वालिफिकेशन BTech, ग्रेजुएशन PG एवं अगर आपके पास LLB है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 30 ईयर है और प्लस एज रिलैक्सेशन मैंने जितना आपको प्रीवियस में बताया था। लास्ट डेट की बात करें तो आप इस फॉर्म को 30 सितंबर तक भर पाएंगे। एग्जाम फीस की बात करें तो जनरल OBC के लिए 850 रुपये है और SC ST के लिए 100 रुपये रखी गई है। सैलरी आपकी 28,150 से 55,600 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली वैकेंसी है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें 957 सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी हैं दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास मांगा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 ईयर है और आप इस फॉर्म को 18 सितंबर तक भर पाएंगे। जनरल OBC के लिए 110 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है। सैलरी आपकी 5,400 से 25,200 के बीच पर मंथ आपको दी जाएगी। अगली वैकेंसी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसमें 102 स्टेपेंट्री ट्रेनी एवं टेक्नीशियन सिक्योरिटी गार्ड एवं क्लर्क एवं अदर की वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन भी अलग अलग मांगा गया है। 10th 12th डिप्लोमा ITI एवं ग्रेजुएशन है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 ईयर है और इस फॉर्म को आप 12 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फीस 200-150 रुपये रखी गई है, 1 से लेकर 4 पोस्ट तक, और अदर पोस्ट के लिए 100 रुपीज़ रखी गई है एग्जाम फीस, और सैलरी आपकी 16,000 से स्टार्ट होगी दोस्तों। अगली वैकेंसी है दोस्तों वेस्ट बंगाल पोर्टल सर्कल, जिसमें 242 मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है दोस्तों। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास क्वालिफिकेशन मांगा गया है। एज लिमिट आपकी 18 से 25 ईयर है दोस्तों और आप इस फॉर्म को 4 सितंबर तक भर पाएंगे। एग्जाम फीस दोस्तों इसमें 400 रुपये रखी गई और सैलरी आपकी बहुत ही अच्छी है, 18,000 से लेकर 29,700 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली वैकेंसी है दोस्तों त्रिपुरा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें 177 पर्सनल असिस्टेंट ग्रेड सेकंड की वैकेंसी हैं दोस्तों। जिसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th या आपके पास ITI सर्टिफिकेट है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 40 है और आप इस फॉर्म को 1 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम फीस जनरल OBC के लिए 100 रुपीज़ रखी गई और SC ST के लिए 50 रुपये फीस रखी गई है, और सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 5,700 से 24,000 के बीच आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली वैकेंसी है दोस्तों राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिसमें 664 जूनियर ट्रेनियों की वैकेंसी है दोस्तों। क्वालिफिकेशन
टेंथ प्लस आपके पास आईटीआई है या आपके पास कोई रिलेटिव डिप्लोमा है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 27 ईयर है। और मैं आपको बताऊँ जितनी भी एज में एज की बात करूँ उनमें सभी में 5 और 3 ईयर की छूट दी गई है। आप इस फॉर्म को दोस्तों 25 सितंबर तक भर पाएंगे। और इसमें एग्जाम फीस दोस्तों 300 रुपये रखी गई है जनरल ओबीसी के लिए। और सैलरी आपकी 10,070 से आपकी स्टार्टिंग होगी। अगली वैकेंसी है केंद्रीय विद्यालय संगठन। इसके बारे में आपको प्रीवियस में बता चुका हूँ लेकिन आपको एक बार और बता दूँ क्योंकि इसकी लास्ट डेट चल रही है। आप इस फॉर्म को 13 सितंबर तक भर पाएंगे जिसमें 8,339 प्रिंसिपल पीजीटी टीजीटी पीआरटी एवं लाइब्रेरियन की वैकेंसी है जिसमें क्वालिफिकेशन 12th ग्रेजुएशन पीजी एवं बीएड है। तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैक्सिमम एज लिमिट इसकी 50 ईयर है और आप इस फॉर्म को 13 सितंबर तक भर पाएंगे। एग्जाम फीस प्रिंसिपल के लिए केवल 1200 रुपये रखी गई है एवं अदर पोस्टों के लिए 450 रुपये एग्जाम फीस रखी गई है। सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों, 35,400 से 2,09,200 के बीच पर मंथ आपको इसमें सैलरी दी जाएगी। अगली वैकेंसी दोस्तों स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे से बता चुका हूँ और लास्ट एक बार और आपको बता दूँ क्योंकि इसके फॉर्म अभी चल रहे हैं जिसमें 54,953 कॉन्स्टेबल जीडी की वैकेंसी है। केवल क्वालिफिकेशन 10th पास मांगा है। एज लिमिट आपकी 18 से 23 ईयर है प्लस 3 ईयर ओबीसी को और 5 ईयर एससी एसटी को इसमें छूट दी गई है। लास्ट डेट की बात करें तो दोस्तों आप इस फॉर्म को 17 सितंबर तक भर पाएंगे। एग्जाम फीस दोस्तों 100 पीस रखी गई है एवं एससी एसटी के लिए और महिला के लिए कोई फीस नहीं है इसमें, जीरो में। और सैलरी बहुत ही अच्छी है दोस्तों आपकी, 34,569 से 70,700 के बीच आपको पर मंथ इसमें सैलरी दी जाएगी। अगर इसके बारे में फुल डिटेल से जानना चाहते हैं तो दोस्तों एक मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया नोटिफिकेशन डिटेल के बारे में, फुल डिटेल से मैंने आपको बताया है। ऑनलाइन फॉर्म 17 अगस्त से, सिलेबस क्या क्या है, एग्जाम कैसे होगा, मेडिकल फिजिकल में क्या होगा, राज्य जिलों के लिए पद रिजर्व हैं और गर्ल्स कहाँ से अप्लाई करें, तो इसका भी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से आप इस वीडियो को भी आराम से देख सकते हैं और अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी भी आपका कोई भी डाउट हो इन वैकेंसियों के रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं और कमिंग सून जॉब्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी करें। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं स्टडी के उसमें वीडियो को भी शेयर करें और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।